हेलो स्टूडेंट्स, ये फोटो देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? ये पिक्चर देख के आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये किसी कंपनी के बारे में सोच रहा है। प्रॉब्ली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ऑफ स्टार्टिंग ए कंपनी। और ये सपना तो हर एक एंटरप्रेन्योर देखता है। हर एक एंटरप्रेन्योर का सपना होता है कि उसकी कंपनी का ऐसा ऑफिस हो, इतना बड़ा ऑफिस हो, लेविश सा ऑफिस हो, बड़ा सा कैंपस हो, हज़ारों एम्प्लॉय उसकी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का हज़ारों करोड़ों लाखों का टर्नओवर हो, कंपनी की रेपुटेशन हो, उसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल रहा हो। सर रुकिए रुकिए, अभी सपने से जगने का टाइम हो गया है। और वो सपने जो हम सोते हुए देखते हैं, उन्हें ही तो पूरा करने के लिए जागा जाता है, क्योंकि जो सपना हमने सोती हुई आंखों से देखा, उसे ही पूरा करने के लिए हमें अब जागते हुए काम करना होगा। उसी सपने को रियलिटी में लाना है। जो आंखों में सपना देखा था, उस सपने को रियलिटी में लेकर आना है। और रियलिटी में लाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस इंसान को, जिस इंसान ने वो सपना देखा था। और उस इंसान को हम बोलते हैं सर एंटरप्रेन्योर, जो किसी कंपनी को बनाने का आइडिया सोचता है, जो अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करता है। एंटरप्रेन्योर कौन सर? एंटरप्रेन्योर सर धीरू भाई अंबानी। इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, इतना बड़ी उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश कर दी, क्योंकि उनके पास में विजन था एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का। सर बिल गेट्स भी इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ये सारे सेल्फ मेड इंसान हैं। अजीम प्रेम जी का एग्जाम्पल लीजिए, जिन्होंने एक ऑयल बेचने वाली कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, और इतने मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स हैं इन लोगों के। एंड ये लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब लॉ के प्रोविजन से बात करते हैं। ये तो हमने बात करी कि सर ये जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, दे ऑल आर बिजनेसमैन, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर क्रिएट किए। लेकिन अगर इसे हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि लॉ इनको किस तरीके से डिफाइन करता है, लॉ इस तरीके से डिफाइन करता है कि वो इंसान जो बिजनेस का आइडिया लेकर आता है, जो कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करता है, उसे प्रमोटर कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रमोटर को कंपनीज एक्ट 1956 में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में प्रमोटर को लेके कोई भी प्रोविजन नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल प्रोविजन जो प्रमोटर को डिफाइन कर रहा हो। और तब प्रमोटर की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? तब प्रमोटर की डेफिनेशन तो थी नहीं, कोई सिस्टमैटिक डेफिनेशन नहीं थी। तो प्रमोटर के लिए कहा जाता था कि सर वो पर्सन जो कंपनी बनाने का आइडिया कंसीव करता है, उसे प्रमोटर कहते हैं। तो बस इतना कह दिया गया, जो कंपनी बनाने का आइडिया कंसीव करेगा, उसे प्रमोटर का नाम दे दिया गया। लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट ने पहली बार प्रमोटर को डिफाइन किया, और प्रमोटर को प्राइवेट कंपनी के साथ डिफाइन किया। यहां मैं आपको एक सेक्शन याद करवाने की एक सक्सेसफुल कोशिश कर रहा हूं। प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है, और प्रमोटर जो 2 क्लॉज 69 में डिफाइन है। और प्रमोटर प्रोस्पेक्टस से पहले आता है, और प्राइवेट कंपनी से 3 कदम की दूरी पर पब्लिक कंपनी रहती है। और इन सारी बातों में जो वर्ड कॉमन है, जो फर्स्ट वर्ड कॉमन है, दैट इज पी। तो मैं अब एक लाइन बोल रहा हूं, एक प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने मुझसे पूछा कि अगर मैं प्रॉस्पेक्टस निकाल दूं तो क्या मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी? ये मुझसे किसने पूछा है? ये मुझसे प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने पूछा है कि अगर मैं प्रोस्पेक्टस निकाल दूं तो क्या मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी? अब सेक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने टर्म क्या बोली? मैंने टर्म बोली पहली कौन सी? एक प्राइवेट कंपनी। टर्म मैंने यहाँ यूज़ करी कौन सी? प्राइवेट कंपनी। और सेक्शन मैंने कौन सा कहा? 2 क्लॉज 68। एक प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने। तो सर प्राइवेट कंपनी के पास वाला सेक्शन कौन सा है? प्रमोटर का सेक्शन है। एक प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने मुझसे पूछा कि अगर मैं प्रोस्पेक्टस निकाल दूं, प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा? 2 क्लॉज 70। प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने मुझसे पूछा कि अगर मैं प्रोस्पेक्टस निकाल दूं तो क्या मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी? सर पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा आ गया?
पब्लिक कंपनी का सेक्शन आ गया, सेक्शन 2 क्लॉज 71। तो इस तरीके से मैंने आपको चार सेक्शंस याद करवा दिए, जो सारे के सारे सेक्शन पी से स्टार्ट होते हैं। पी फॉर प्राइवेट कंपनी, पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर प्रोस्पेक्टस एंड पी फॉर पब्लिक कंपनी। सर, कंपनी की डेफिनेशन तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिस्कस की थी, याद है आपको? और सर, बोर्ड की डेफिनेशन क्लास 10th में आया था ना, बोर्ड 2 क्लॉज 10 में डिस्कस की थी। 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट का था। तो 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 10, 2 क्लॉज 11 और यहां आ गए सर 68, 69, 70 एंड 71। ये चार सेक्शंस मैं आपके लिए लेकर आ गया। एक प्राइवेट कंपनी के प्रमोटर ने मुझसे पूछा, हिंदी वर्ड इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, कि अगर मैं प्रोस्पेक्टस निकाल दूं तो क्या मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी? और चार सेक्शन याद हो गए, 68, 69, 70, 71। प्राइवेट कंपनी का प्रमोटर, उसने निकाला प्रोस्पेक्टस और बन गई पब्लिक कंपनी। तो सर, ये तो हमने बात कर ली सेक्शंस की, लेकिन क्यों ना अब प्रमोटर की डेफिनेशन को एकदम डिवाइड करके पढ़ते हैं कि प्रमोटर की डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, प्रमोटर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमोटर के बारे में इस तरीके से लिखा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में कि प्रमोटर कौन है, तो कहा गया हु इज नेम्ड, ये कहा गया हु इज नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा हो। ओके, तो सर कंपनी ने ना अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया, और कंपनी ने जब अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने लिखा, प्रोस्पेक्टस सर वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे कंपनी फंड रेजिंग करती है। जब आप सीए इंस्टीट्यूट में या सीएस इंस्टीट्यूट में, या आपने दोनों में एडमिशन ले लिया, आप जब एडमिशन लेने गए तो आपने कुछ एक प्रोस्पेक्टस आपको मिला होगा। जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां भी हमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो सर, जैसे ही कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है, वैसे ही उस इन्वेस्टर को उस कंपनी की तरफ से एक बुकलेट मिलती है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। सर, उसमें कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने लॉ बना के मैंडेटरी कर दिया है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, जो 500-600 पेजेस का जो प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक नाम लिखा होता है, प्रमोटर ऑफ अवर कंपनी, और प्रमोटर ऑफ अवर कंपनी के आगे उस इंसान का नाम होता है जिसे कंपनी का प्रमोटर कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट आया एज सच इन प्रोस्पेक्टस, और दूसरा पॉइंट क्या आया, जिसका नाम किस में हो, एनुअल रिटर्न में जिसका नाम किस में हो एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न जो कि सेक्शन 92 में आता है। सर, आपको पता है ना, देखिए एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में, और अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 92 में आती है। तो अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन कौन सा, 2 क्लॉज 92। बस अनलिमिटेड कंपनी के सेक्शन में से 2 और क्लॉज हटा दीजिए तो बना सेक्शन किसका, एनुअल रिटर्न का सेक्शन बना। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 92। तो सर, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, कंपनी की एनुअल रिटर्न में जिसका नाम लिखा हो, जिस इंसान का नाम लिखा हो, उसे कंपनी का प्रमोटर मान लिया जाएगा। आप जरा देखिए, पुराने वाले कंपनीज एक्ट ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया था कि प्रमोटर कौन होता है, लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट ने पहली बार डिफाइन किया कि प्रमोटर किसे कहा जाएगा। तो कंपनीज एक्ट पहली बार डिफाइन कर रहा है। अच्छा सर, मान लीजिए कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में कहीं मेंशन ही नहीं किया कि हमारा प्रमोटर कौन है, ऐसा भी होता है? यस, इट हैपेंस। कई कंपनीज के प्रोस्पेक्टस में ऐसा लिखा भी होता है, वी डोंट हैव एनी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर। तो सर, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ, एनुअल रिटर्न में भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं तो प्रमोटर को ढूंढना होगा। सर, प्रमोटर को ढूंढ क्यों रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सर, अगर कंपनी कोई फ्रॉड करेगी ना, तो लायबल कौन होगा? सर, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर। सर, तो कंपनी का प्रमोटर मतलब ये समझ लीजिए कि इस कहानी का, इस महाभारत का पूरा जो बेस है वो कौन है, कंपनी का प्रमोटर। इस पूरे गेम को ऑपरेट करने वाला कौन है, वो कंपनी का प्रमोटर है।
जिसके डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें कंपनी में काम करती हैं। सर टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स कंपनी के 60% शेयर्स हैं। टाटा ट्रस्ट जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में बनी हुई कंपनी ट्रस्ट बना हुआ है, नॉट ए कंपनी, उसके पास टाटा सन्स के 60% शेयर्स हैं। तो सर कंट्रोल कौन करेगा टाटा ग्रुप को? कंट्रोल करेगा टाटा ट्रस्ट, और टाटा ट्रस्ट ने ऐसा किया भी और अपना कंट्रोल एक्सरसाइज किया। सर वर्ड आ रहा है बार बार कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, यस कंट्रोल वर्ड आया, तो यहां क्या लिखा हुआ देखिए, यहां एक दूसरी बात लिखी हुई है या फिर। तो पहला हमने क्या देखा कि प्रोस्पेक्टस में एनुअल रिटर्न में नाम हो, और दूसरा क्या आया जिसका कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो ओवर कंपनी। आप जानते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है ना, ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 27। यस, ये जो कंट्रोल जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये सेक्शन 2 क्लॉज 27 में डिफाइंड है। और पता है कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कंट्रोल का मतलब है अगर आपके पास मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की अथॉरिटी है, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है, तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं कंट्रोल। ऐसा सेक्शन 2 क्लॉज 27 में लिखा हुआ है। सर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर कैसे आ सकती है? सर लोन दे दिया है, और लोन देके कंपनी को यह कहा है कि आपकी कंपनी में, लोन देकर ऐसा कहा है कि आपकी कंपनी में मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की अथॉरिटी हमें चाहिए, प्रेफरेंस शेयर एक्वायर कर लिए हैं और ये राइट मांगा है कंपनी से, तो सर ये क्या आ गया? ये कंट्रोल आ गया। सर या तो पॉइंट क्या है, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हो। किसी कंपनी में अगर 12 डायरेक्टर्स हैं, किसी कंपनी में अगर 12 डायरेक्टर्स हैं और अगर आप उस कंपनी में 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर रखते हो, राइट, 12 डायरेक्टर हैं और आपके पास 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की अथॉरिटी है, तो सर इसे हम कंट्रोल कह देंगे, इसे हम कंट्रोल कह सकते हैं। सर पॉलिसी मेकिंग पे अगर क्या हो, अगर पॉलिसी मेकिंग पे भी कंट्रोल हो, पॉलिसी मेकिंग में उसका चलती हो, पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस हो, तो सर उसे भी हम क्या बोल देंगे, या फिर मैं बोलूं कि जो मेजर डिसीजन लेता हो उसे कंट्रोल कहा गया है। सर कंट्रोल की डेफिनेशन जरूर पढ़िए सेक्शन 2 क्लॉज 27 में, अभी पढ़िए इनफैक्ट, तो आपको समझ में आएगा कि सर कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो सर जिसका कंपनी के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, सर डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली शेयर होल्ड कर रहा है या इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू, अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू उसमें कंट्रोल एक्वायर कर रहा है। पता ये डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां ये डेफिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज की डेट में अगर आप नॉर्मल एक लेमैन की लैंग्वेज में सोचोगे ना कि सर प्रमोटर कौन है, तो आप बोलोगे सर धीरू भाई अंबानी प्रमोटर थे रिलायंस के। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जरा मुझे ये बताना कि क्या मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली रिलायंस की प्रमोटर है या नहीं है? अंबानी फैमिली रिलायंस की प्रमोटर है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुकेश अंबानी ने एक तो कंपनी की शुरुआत की नहीं थी। लेकिन जरा ये देखो कि कंट्रोल कंट्रोल किसके पास में है, राइट? वेलकम मूवी में वो जो नाना पाटेकर का डायलॉग था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो मैं आपसे बोलूंगा कि कंट्रोल ट्राई टू फाइंड आउट कि कंट्रोल किसके पास में है। सर कंट्रोल दो चीजों से आता है, या तो कंट्रोल शेयर होल्डिंग से आएगा, आपने किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर रखे हो, या फिर आपने उस कंपनी को लोन दे रखा हो और लोन से कंट्रोल उस कंपनी के ऊपर एक्वायर कर रखा हो। इक्विटी शेयर इज नॉट द ओनली फैक्टर टू मेक कंट्रोल ओवर अदर कंपनी, किसी और तरीके से भी कंपनी में कंट्रोल आ सकता है। और कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है कि आप किसी कंपनी में अगर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, तो आप उस कंपनी के प्रमोटर बन गए। तो प्रमोटर इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। स्टार्टिंग में कंपनी का प्रमोटर कोई और था, शुरुआत किसी और ने की थी, लेकिन बाद में मैनेजमेंट चेंज हुआ, कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में आ गया, तो जिसके हाथ में कंट्रोल आ गया वो कंपनी का प्रमोटर बन गया। ऑल्दो उसका आइडिया नहीं था वो कंपनी बनाने का, वो कंपनी तो मान लो 40 साल पहले बनी हुई थी, लेकिन 40 साल बाद किसी और पर्सन का, किसी और कंपनी का उस कंपनी पे कंट्रोल आ गया, तो सर कंट्रोल आती वो क्या बन गया, प्रमोटर बन गया।
सर दो तरीके तो ये हो गए जानने के, और तीसरा तरीका क्या है प्रमोटर को जानने का, जो यहां लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस, जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट। सर देखिए अकस्टम्ड का यहां क्या मीनिंग होता है वो जरा देखिए आप। सर अकस्टम्ड का यहां मीनिंग होता है कि रूटीन है, कस्टमरी है, समथिंग विच इज कस्टमरी, मतलब वो नॉर्मली उसके एडवाइस को फॉलो करते ही करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी बात को मानते ही मानते हैं, उसकी बात को कभी इग्नोर नहीं किया था। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कस्टम टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस। तो सर आप बोलेंगे जब हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी ना, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमसे सलाह मांगेंगे कंपनी के। सर सलाह किसे मांगते हैं, या तो सीए से मांगता है या सीएस से मांगता है। सर हम उन्हें सजेस्ट करेंगे सर ये कंपनी लॉ का वॉयलेशन हो जाएगा, ये वाला प्रोविजन मत करो, सर ये वाला प्रोविजन बड़ा अच्छा है, हाँ इसको फॉलो करो, सर सर आप गलत कर रहे हो, सर आप सही कर रहे हो, सर सर ये ठीक नहीं है, इसमें पेनल्टी लगेगी, इसमें पेनल्टी नहीं लगेगी, सर मैं आपको आइडिया देता हूँ। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एक कदम है ना, एक एक कदम फूक मार के रखेगा और आपसे पहले पूछेगा, है ना, हर कदम पे आपसे एडवाइस मांगेगा। लेकिन वो आपसे अगर एडवाइस मांगेगा तो आपके दिमाग में कहीं ये ख्याल ना आ जाए, सर मैं भी कंपनी का प्रमोटर हूं, और आप बोल एक्टर को बोलो कि कल से काम पे मत आना, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूं, मैं तुम सबको जॉब से लगा निकाल रहा हूं। तो पूछे क्यों, बोले मैं कंपनी का प्रमोटर हूं। बोला ये कैसे, कि तुम लोग मेरे एडवाइस पे काम करते हो, जो मैं बोलता हूं आप लोग वही फॉलो करते हो, इसलिए कल से काम पे मत आना, मैं नए बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जानते हैं क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे एक मिनट, पहले आप प्रमोटर की डेफिनेशन ढंग से पढ़ लीजिए। तो प्रमोटर की डेफिनेशन में यहां क्या लिखा हुआ है, अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। यस, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है, जैसे कि सीए, सीएस एंड सीएमए, या फिर मैं बोल दूं जो एडवोकेट है, जिसे लीगल नॉलेज है। सर तो सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, ये सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, लेकिन इन्हें प्रमोटर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। सर हर प्रमोटर को टैक्स की नॉलेज थोड़ी होती है, हर प्रमोटर को लॉ की नॉलेज भी नहीं होती। तो उस तरीके से प्रमोटर प्रोफेशनल्स के एडवाइस जरूर मांगता है और उनके एडवाइस पे काम करता है, लेकिन उसे हम प्रमोटर यानी कि उस प्रोफेशनल को हम प्रमोटर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो हमने प्रमोटर की डेफिनेशन में तीन बातें देखी। पहली बात क्या देखी, पहली बात देखी नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, या फिर एनुअल रिटर्न, या फिर हमने क्या देखा, प्रोस्पेक्टस एनुअल रिटर्न, या फिर जिसका क्या हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो ओवर कंपनी, या फिर क्या आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके एडवाइस पे कस्टम टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। सर ये पूरा का पूरा प्रमोटर का मीनिंग आ गया, और यही सेक्शन 2 क्लॉज 69 है जो मुझे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में समझानी थी मुझे, और मुझे इसके सारे एस्पेक्ट्स आपको क्लियर करने थे। सर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसे हम कंपनी का प्रमोटर कह देंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ये जरूरी नहीं है, बस तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो सर कंपनी का प्रमोटर बन गया, राइट। तो ये सर हमने प्रमोटर की बात करी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है कि क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट होता है, वो कंपनी जो अभी बनी नहीं है, वो कंपनी जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, क्या प्रमोटर उस कंपनी का एजेंट होता है या नहीं होता, क्या प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी होता है या नहीं होता। सर ये एजेंट, ट्रस्टी, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए आप लोग ये बात जानते हैं कि सर एक टर्म होती है प्रिंसिपल और दूसरी टर्म होती है क्या, दूसरी टर्म होती है एजेंट। फर्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड एजेंट। सही, दो टर्म्स है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब मेरा एक आपसे सवाल है, माइनर इनमें से क्या बन सकता है,
प्रिंसिपल वो होता है जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है। प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके बिहाफ पे एजेंट वर्क परफॉर्म करता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब जरा बताइएगा कि माइनर क्या प्रिंसिपल बन सकता है या माइनर क्या एजेंट बन सकता है? सर आंसर है माइनर एजेंट तो बन सकता है, क्योंकि माइनर के एजेंट बनने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए भी बन सकता है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। एक्ट माइनर का होगा लेकिन लायबल कौन होगा? लेकिन लायबल हमेशा प्रिंसिपल ही होगा, माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने ये आया कि माइनर को एजेंट तो बना दिया, क्या माइनर को प्रिंसिपल बना सकते हैं? द आंसर इज नो। तो अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी माइनर को एजेंट अपॉइंट करता है, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। लेकिन कोई माइनर अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। तो सर जो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए किसी और को अपॉइंट करता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और जिसे अपॉइंट किया जाता है उसे एजेंट कहा जाता है। और एजेंट जो भी करेगा उसके लिए लायबल कौन होगा? उसके लायबल प्रिंसिपल होगा। तो माइनर प्रिंसिपल तो नहीं बन सकता सर, लेकिन माइनर एजेंट बन सकता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब सर यहां एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर देखिए, जब किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन से मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग होता है रजिस्ट्रेशन। जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब कंपनी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। तो मैं टर्म यहां क्या बोलूंगा? यहां मैं एक टर्म बोलूंगा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अब कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो यहां हमने एक टर्म बोल दी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और जब कंपनी को प्रमोटर, जब कंपनी के प्रमोटर को वो आइडिया कंसीव होता है कि मुझे एक कंपनी बनानी है, कंपनी का प्रमोटर कंपनी बनाने का आइडिया कंसीव करता है, तो सर यहां से लेकर यहां तक कंपनी के रजिस्ट्रेशन तक, जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना, उस स्टेज को हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। उसी स्टेज को नाम दिया जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज का, राइट? उस स्टेज को हम प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहते हैं। सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि इस स्टेज को प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहा जाता है। आगे बताइए सर, तो इसे हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और इस प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में ना मैं ये बोलूंगा कि कंपनी इनकॉम्पिटेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कंपनी क्या होती है? इनकॉम्पिटेंट होती है। तो सर जब कंपनी इनकॉम्पिटेंट होती है ना, तो कंपनी की पोजीशन भी कुछ माइनर की तरह ही होती है। तो जिस तरीके से माइनर अपनी माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसी तरीके से जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना, कंपनी भी माइनर रहती है। तो हमसे अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर बताइए जरा कि अगर मैं माइनर के साथ यहाँ वर्ड लिख दूँ कंपनी, तो क्या कंपनी प्रिंसिपल बन सकती है या नहीं बन सकती? तो आंसर क्या आया? आंसर आया नहीं सर, क्योंकि कंपनी अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो सर अगर हमने ये कहा कि कंपनी प्रिंसिपल नहीं बन सकती, तो एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? एजेंट को अपॉइंट तो प्रिंसिपल करता है। अगर कंपनी प्रिंसिपल नहीं बन सकती, तो क्या कंपनी का प्रमोटर, तो क्या कंपनी का प्रमोटर कंपनी का एजेंट बन सकता है? तो आंसर ये आया कि नहीं सर, कंपनी का प्रमोटर प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी का एजेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको एजेंट अपॉइंट करना है वो तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अभी कॉम्पिटेंट नहीं हुई है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सर प्रमोटर कभी भी कंपनी का एजेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये आया कि सर क्या प्रमोटर कंपनी की तरफ से ट्रस्टी बन सकता है? सर ट्रस्टी वो इंसान होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, और ट्रस्टी को अपॉइंट कौन करता है? ट्रस्टी को अपॉइंट करता है ऑथर। तो ऑथर हमेशा अपॉइंट करता है ट्रस्टी को।
सर ऑथर अपॉइंट कर रहा है ट्रस्टी को, ऑथर अपॉइंट कर रहा है ट्रस्टी को, और ट्रस्टी जिसके लिए काम करता है उसे हम कहते हैं बेनिफिशरी, उसे हम कहते हैं बेनिफिशरी। क्वेश्चन ये आया कि सर ट्रस्टी क्या प्रमोटर बन सकता है? सर ट्रस्टी प्रमोटर तब बनेगा जब उसको अपॉइंट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। तो सर प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं होती, क्योंकि कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होती, इसलिए प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी भी नहीं बन सकता। तो मैं ये बोलूंगा कि सर ना तो प्रमोटर कंपनी का एजेंट होता है और ना ही कंपनी का क्या होता है, ना ही कंपनी का ट्रस्टी होता है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे सर ये क्वासी एजेंट है, ये क्वासी एजेंट है, और वी कैन से क्वासी एजेंट एंड क्वासी ट्रस्टी। सर क्वासी क्यों कहा, ये पूरी तरीके से नहीं है ना, ये वैसा है लेकिन रियल में ऐसा है, रियल में वो है नहीं। तो सर कंपनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ प्रमोशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज नॉट वेस्टेड इन द नेम ऑफ प्रमोटर, क्योंकि ट्रस्टी को तो प्रॉपर्टी मिलती है और इसे कोई प्रॉपर्टी मिली नहीं है, कंपनी कोई प्रॉपर्टी इसके नाम से है नहीं। तो सर इसलिए प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी भी नहीं बनता, लेकिन प्रमोटर के लिए कहा गया कि सर उसकी फिड्यूशरी पोजीशन होती है। सर फिड्यूशरी विच बेसिकली मीन्स रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो उसका कंपनी के साथ ना एक भरोसे का रिलेशन होता है, किसका, प्रमोटर का। तो प्रमोटर कंपनी के साथ एक रिलेशनशिप निभाएगा जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो सर ये दो बातें हमने डिस्कस करी अभी सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। एक हमने ये डिस्कस किया कि प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है, प्रमोटर के मीनिंग को हमने समझा, और हमने ये भी समझा कि प्रमोटर कंपनी का ट्रस्टी होता है या कंपनी का एजेंट होता है। आंसर दोनों में ना है, ना तो प्रमोटर के पास कंपनी की प्रॉपर्टी होती है और ना ही कंपनी एज प्रिंसिपल बनने लायक होती है। तो क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होती, इसलिए कंपनी प्रमोटर को अपना एजेंट रिक्रूट नहीं कर सकती, राइट। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया प्रमोटर का, प्रमोटर के हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। प्रमोटर के टॉपिक के बारे में मैं कुछ और भी डिस्कशन करूंगा, बट वो हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।